एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 20,000 की रिश्वत लेते महिला थाने की कांस्टेबल अनीता को ट्रैप किया गया है। एक मामले में नाम काटने की अवैध में रिश्वत मांगी गई थी। सीआई पिंकी गंगवाल की कार्रवाई है, जहां एडीएसपी महावीर शर्मा के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला थाने की कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। एक मामले में नाम काटने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी, 20,000 रुपए की डिमांड की गई थी, जिसे ट्रैप कर लिया गया है। सीआई पिंकी गंगवाल की यह कार्रवाई है। एडीएसपी महावीर शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है, जिसमें एक बड़ी सफलता भी मिलती हुई नजर आई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जो एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है बीकानेर में, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला थाने की कांस्टेबल अनीता ट्रैप हो चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल, बीकानेर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस एसीबी को ये एक तरह से भौतिक सूचना दी गई थी परिवादी द्वारा कि एक मामले में जो महिला थाने में दर्ज है उसमें नाम निकालने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है, और जो रिश्वत है ये वहां की जो कांस्टेबल है अनीता बिश्नोई वो मांग रही थी। तो इस पे भौतिक सत्यापन के बाद सीआई जो है पिंकी गंगवाल की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। जो है मौके पर महिला पुलिस थाना में ये कांस्टेबल तैनात थी, वहीं पर एसीबी की टीम अभी मौजूद है, अभी दरअसल कार्रवाई जारी है। तो थोड़ी बहुत देर बाद तमाम अपडेट्स आ जाएंगे, लेकिन हम ये सबसे पहले बता रहे हैं कि महिला थाने की एक कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। आप समझिए, जिन पे जिम्मेदारी है क्राइम से रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, अपराधों से बचाने की, उन्हीं उसी महकमे में इस तरह की अगर रिश्वत मांगी गई तो निश्चित तौर पर एसीबी ने जो कार्रवाई की है काबिले तारीफ है। इस तरह के ट्रैप से निश्चित तौर पर एक संदेश जाएगा। आप थोड़ी देर डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या पूरा मामला था, केस कौन सा था, किन धाराओं में दर्ज था, तो तमाम चीजें आएंगी, वो भी हम तफसील से शेयर करेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता होगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों की बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म। और अब इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने अगर आप में भी है सिंगिंग टैलेंट तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और अगर आपके पास में आईफोन है तो ऐप स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से अगर आप मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा, और अगर आप संगीत की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास में है, क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज से शुरू हो गए हैं। तो देरी किस बात की है, आप डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करें।